हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो आज की प्रॉपर्टी रहने वाली है वो हमारी 2 BHK रहेगी। इसमें मेरे पास दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं। फ्रंट साइड पे रहने वाला है मेरा 3 BHK जो कि 100 गज में रहेगा, और ये बैक साइड की प्रॉपर्टी है 2 BHK जो कि 60 गज में रहने वाला है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन रहेगी ओम विहार, जिसे हम रामनगर रोड कहते हैं। प्रॉपर जो इसकी लोकेशन रहेगी, नियरेस्ट में इसके 2 मेट्रो स्टेशन रहने वाले हैं, नवादा मेट्रो स्टेशन और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन। और मेन रोड यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रहने वाली है। तो एक बार हम इस फ्लैट का टूर कर आते हैं। इसमें 2 यूनिट्स रहने वाले हैं। फ्रंट साइड पर रहेगा 3 BHK और बैक साइड पर रहने वाला है 2 BHK। इस टाइम मैं हमारे लॉबी में खड़ी हूँ। इस साइड पर हमारा लिफ्ट का प्रोविज़न रहने वाला है, मेरे फ्रंट साइड पर रहेगा हमारा स्टेयर्स का प्रोविज़न, और नीचे हमारी प्रॉपर ह्यूज में पार्किंग रहने वाली है जो कि हमारी SUV पार्किंग रहने वाली है। यहीं से होते हुए अपने 2 BHK के फ्लैट की ओर चलेंगे हम। तो अब हम आगे हमारे 2 BHK के फुली फर्निश्ड फ्लैट में। अभी इसमें बेड्स वगैरह नहीं लगे हुए, बाकी सेमी और फुली दोनों का ऑप्शन रहने वाला है। फ्रंट में 3 BHK रहेगा, बैक साइड पे 2 BHK रहेगा। फ्रंट साइड की हमारी इसकी 25 फुट की रोड होने वाली है और बैक साइड की हमारी 10 फुट की रोड रहेगी। लोकेशन इसकी रहने वाली है ओम विहार। उसी के साथ साथ 2 इसके मेट्रो स्टेशन रहेंगे, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन और नवादा मेट्रो स्टेशन। एक बार मैं आपको फ्लैट का नक्शा समझा देती हूँ। इस टाइम मैं खड़ी हूँ हमारे लिविंग एरिया में। उसी के साथ हमारे 2 बेडरूम्स होने वाले हैं, मेरे एक लेफ्ट में रहेगा और एक राइट में। दोनों हमारे बालकनी से अटैच रहेंगे। एक रहने वाला हमारा कॉमन वॉशरूम, उसी के साथ ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन रहेगी, और एक वॉशरूम हमारा बेडरूम से अटैच रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग एरिया से। एल कॉर्नर के सोफे के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। मतलब 60 गज के हिसाब से इस फ्लैट में आपको बहुत अच्छा स्पेस दिखेगा, कि आपको लगेगा कि 75 गज का एटलीस्ट है फ्लैट। उसी के साथ साथ फ्रंट साइड पे ह्यूज में हमारा LED पैनल रहेगा, प्रॉपर लुआ फिटिंग के साथ आप देख सकते हैं। और इस साइड हमारा बार का प्रोविजन रहेगा सेपरेटली। आप शोपीसेज रखना चाहो या अपना कुछ बार का सामान रखना चाहो, इजीली आप इसमें रख सकते हो। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी फॉल सीलिंग पे। कितना शानदार 3 शेडेड में हमारा शैंडलियर रहने वाला है। वॉल पे भी कोई मतलब वॉल पेपर टेक्सचर प्रिंट ना करके कितने शानदार तरीके से मिरर के साथ वॉल डिज़ाइन की गई है। इस साइड रहेगा हमारा AC का डक्टिंग जो कि हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन रहने वाला है। तो ये तो था हमारा लिविंग एरिया। इस साइड रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम। एक बारी किचन में जाने से पहले हम कॉमन वॉशरूम पर नज़र मार लेते हैं। कितना अच्छा स्पेस है हमारे वॉशरूम में भी। इसमें जितनी भी सैनिटरी आपको सारी फिटेड करा के दी जाएगी 2 ईयर्स वारंटी के साथ। अप टू रूफ प्रॉपर टाइल्स रहेंगी। वेंटिलेशन की बात करें तो प्रॉपर एग्जॉस्ट फिटिंग दी गई है। उसी के साथ साथ यहीं से होते हुए चलेंगे अपनी किचन की ओर, जो कि हमारी ड्यूल शेड में ओपन में मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। किचन में भी हमें किस किस चीज़ों की नीड होती है। एक सेपरेटली हमें प्रोविजन चाहिए फ्रिज का प्रोविजन, जो कि इस साइड हमारा दिया गया है। सेपरेटली RO का प्रोविजन जो हमारा इस साइड रहने वाला है प्रॉपर। उसी के साथ साथ जितनी भी सैनिटरी है सारे फिटेड करा के दी जाएगी 2 ईयर्स वारंटी के साथ। ड्यूल शेड में हमारी किचन रहेगी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन। देख सकते हैं कितना शानदार हाइड्रोलिक रहने वाली हमारी ये किचन। प्रॉपर डस्टबिन के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर कटिंग वगैरह दी गई है। इस साइड हमारा प्रॉपर स्पून्स का, प्लेट्स का, मतलब जितना भी मटेरियल हमारा होता है यूज़ का, वो सारा मटेरियल आपका इजीली हमारे किचन में आ जाएगा। फिटेड चिमनी रहने वाली है, सेंसर वाली हमारी चिमनी रहेगी। और उसी के साथ साथ जितने भी ये कॉलम्स हैं वो हमारे सारे, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पेशियस रहने वाले हैं। सारा मटेरियल इजीली हमारा इसमें आ जाएगा। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी फॉल सीलिंग पे। किचन पे भी कितनी शानदार लाइट्स के साथ करवा के दी गई है। अभी इसमें बीच में भी एक शैंडलियर आपको लगा के दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहीं से होते हुए फर्स्ट बेडरूम की ओर चलेंगे, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम कहलाएगा। वॉशरूम और बालकनी दोनों से कनेक्ट रहेगा। इस साइड हमारी बालकनी रहने वाली है,
और ये कनेक्टेड हमारा वॉशरूम रहेगा। अभी यहाँ पे बेड फिटेड करा के नहीं दिया गया, बस यहाँ बेड ही लगना है क्योंकि प्रॉपर आप देख सकते हैं क्विल्टिंग वगैरह भी करवा के दी गई है बेड्स की। फ्रंट साइड पे एलईडी पैनल रहने वाला है, 6x6 का किंग साइज का इजीली हमारा बेड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद भी इस रूम में काफ़ी स्पेस है, पूरी अप टू रूफ ड्यूल में हमारी वार्डरोब्स रहेंगी, ड्रॉर्स रहने वाले हैं, मतलब जितना भी मटेरियल होगा इजीली हमारा इसमें आ जाएगा। एक बार हम नज़र मारते हैं, प्रॉपर हैंगिंग सिस्टम आपने जो भी तय करके रखना है, और कुछ सामान हमारा होता है जो हमें स्टोर करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस रहने वाला हमारा इसके अंदर, इजीली हमारा मटेरियल इसमें स्टोर हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक बार नज़र मारते हैं हमारे वॉशरूम पे, वॉशरूम के साइजेस कितने अच्छे हैं, एकदम ह्यूज साइज में हमारा वॉशरूम रहने वाला है। वेंटिलेशन पर्पज से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साइड भी हमारा एग्जॉस्ट की फिटिंग, प्रॉपर अप टू रूफ में टाइल्स रहने वाली हैं। इस साइड रहेगी हमारी गीजर की फिटिंग, उसी के साथ साथ जितनी भी सैनिटरी है वो सारी फिटेड करा के दी जाएगी। एक बार मैं आपको नज़र मरवाती हूँ हमारी बालकनी पे, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है हमारी बालकनी। तो ये रहने वाली है हमारी बालकनी, बैक साइड की हमारी 10 फुट की रोड रहेगी, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है हमारी ये बालकनी। उसी के साथ साथ इस साइड हमारा वॉशिंग एरिया रहेगा, प्रॉपर ड्रेन पाइप, स्विच बोर्ड और टैप यहाँ पर फिटेड करा के दी जाएगी। यहीं से होते हुए अपने सेकेंड बेडरूम की ओर चलेंगे, सेकेंड बेडरूम भी हमारा जो कि मास्टर बेडरूम है, ये भी हमारा बालकनी से अटैच्ड है। आप देख सकते हैं इसमें बेड अभी नहीं लगा के दिया, इसमें भी किंग साइज का बेड लगेगा, प्रॉपर क्विल्टिंग वर्क हो रखी है इसी के अंदर। एक बार हम नजर मारेंगे हमारी फॉल सीलिंग पे कितनी शानदार रहने वाली है। वेंटिलेशन पर्पज से इस फ्लैट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं बैक साइड का फ्लैट है हवा नहीं आती, लेकिन आपको दोनों बेडरूम्स में इसमें बालकनी अटैच मिल रही है, प्रॉपर एग्जॉस्ट फिटिंग्स हैं और इतना खुला एरिया, जब आप साइड विजिट करोगे तो आप खुद कहोगे कि बैक साइड के फ्लैट के हिसाब से ये फ्लैट बहुत ही शानदार रहने वाला है। वेंटिलेशन के हिसाब से प्रॉपर विंडो, उसी के साथ साथ इस साइड रहेगा हमारा विंडो एसी का प्रोविजन। एक बार अपनी वार्डरोब्स में नज़र मारते हैं कितनी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाली है, प्रॉपर इसमें ड्रॉर्स हैं, आपका इधर हैंगिंग सिस्टम हो जाएगा, कुछ स्टोर करके रखना इजीली हम ऊपर रख सकते हैं। उसी के साथ साथ हाइड्रोलिक रहेंगी हमारी ये प्रॉपर सेंसर वाली, एक बार हम इसमें भी नज़र मारते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस रहने वाला है हमारी वार्डरोब्स में। तो ये तो था हमारा 2BHK का फुली फर्निश्ड फ्लैट, फुली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों के ऑप्शंस रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसमें प्रॉपर लोकेशन भी बता दी है, कौन सा मेट्रो स्टेशन रहेगा, इसमें 3 और 2 दोनों के ऑप्शंस रहने वाले हैं। नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी साइट विजिट बुक करवा सकते हैं। जब भी आप इस फ्लैट को देखना चाहते हैं या कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए। उसके अलावा भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डेली बेसिस पे रील्स अपलोड होती हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करके आप प्रॉपर जो पहले की भी हमारी वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। मेरे पास 1BHK से लेके 4BHK तक के ऑप्शंस अवेलेबल है और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। थैंक यू।